hello everyone and welcome back to our channel biology impulse today in this session we are going to discuss about the chapter number 5 of class 12th that is principle of inheritance and variation in the previous videos of this chapter we have already discussed about the monohybrid cross and the various laws associated with it now in this session we are going to discuss about the dihybrid cross and the law of independent assortment so without wasting any time let's proceed with our today's session बेसिकली द डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स साइमटेनियसली यानी कि एक ऐसा क्रॉस है जहाँ पे दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को चेक किया जाता है इन दिस द मेंडल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ वन पेयर ऑफ एल एल ऑन दर पेयर इन दिट्रोजाइग ऑर्गेनिज्म यानी कि मेंडल यहाँ पे ये देखना चाह रहा था कि जो एक एल का जो इनहेरिटेंस होता है क्या उसका कोई इफेक्ट दूसरी एल एल के ऊपर पड़ता है यानी जो एक कैरेक्टर इनहेरिट होगा क्या उसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा दूसरे कैरेक्टर के ऊपर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक तो कैरेक्टर ले लिया हाइट वाला दूसरा कैरेक्टर ले लिया हमने स्किन कलर वाला तो मेंडल यहाँ पे ये देखना चाह रहा था कि जब हाइट वाले कैरेक्टर की इनहेरिटेंस हो रही है तो क्या इसका कोई असर स्किन कलर वाले के ऊपर पड़ रहा है क्या तो इसी के लिए उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था इसको करवाने के लिए क्रॉस करवा के देखा था मेंडल ने ऑफकोर्स उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट जिसको हम पायसम सेटिवम भी बोलते हैं उसी के ऊपर करवाए थे तो इस डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने क्या किया दो कैरेक्टर लिए एक तो लिया है शेप वाला कैरेक्टर और दूसरा लिया है कलर वाला कैरेक्टर तो जो शेप है वो दो हो सकती हैं वो राउंड भी हो सकती है वो रिंकल्ड भी हो सकती है वहीं जो कलर है वो भी येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है तो यानी दो कैरेक्टर हुए यहाँ पे एक तो शेप वाला कैरेक्टर हुआ और दूसरा यहाँ पे कलर वाला कैरेक्टर हुआ तो जो पेरेंट जनरेशन थे उन्होंने उसके लिए क्या किया जो कैपिटल आर है वो रिप्रेजेंट करवा रहा था राउंड के लिए कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करवा रहा था येलो के लिए वहीं जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड के लिए था और स्मॉल वाई यहाँ पे ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी राउंड वाले के केस में तो कैपिटल आर ही आएगा और जो येलो कलर वाले में उसमें कैपिटल वाई आएगा वहीं रिंकल्ड वाले के अंदर स्मॉल आर और ग्रीन वाले के अंदर स्मॉल वाई जो आ रहे थे जो एल एल्स थी वो अब जब एफ वन जनरेशन यहाँ पे करवाई गई तो इनके क्रॉसिंग की वजह से जो प्रोजन आई एफ वन जनरेशन उसके अंदर एक कैपिटल आर एक स्मॉल आई एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई यहाँ पे देखने को मिल रहे थे और जो यहाँ पे फिनोटाइप आ रहा था वो आ रहा था राउंड येलो यहाँ पे फिनोटाइप राउंड येलो इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट था राउंड शेप के लिए वहीं जो कैपिटल आर है वो भी डोमिनेंट था यहाँ पे येलो कलर के लिए इसीलिए यहाँ पे राउंड येलो सिचुएशन आई अब मेंडल ने यहाँ पे क्या किया कि जो F1 प्रोजेनी जो आई थी इसको उन्होंने सेल्फ क्रॉस करवा के देखा तो अब जो F1 प्रोजेनी है उसके चार तरीके के गैमेट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे थे जब हम कैपिटल आर कैपिटल वाई से आर वाई यहाँ पे कैपिटल आर वाई बन रहे थे फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई से एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई दूसरा फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये चार टाइप के यहाँ पे जो गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही थी फिर मैंडल ने इनको क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के लिए इन्होंने इसको एक बॉक्स के अंदर पुट किया जो भी हमारे गैमेट्स आ रहे थे इनको और यहाँ से उन्होंने जो लास्ट में जो चीज़ें देखी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं कौन कौन से यहाँ पे टाइप की चीज़ें फिनो टाइप यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जो नो थे पी वाले प्लांट वो तो आ रहे थे राउंड येलो तीन आ रहे थे राउंड ग्रीन तीन आ रहे थे रिंकल्ड येलो और एक आ रहा था यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन कलर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा था सिंपली हम यहाँ पे इसको याद करने की ट्रिक ये है कि अगर आपको कहीं भी कैपिटल आर यहाँ पे लिखा दिख जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो हंड्रेड परसेंट राउंड कलर को वो राउंड शेप को वो रिप्रेजेंट करेगा जो राउंड शेप है वो यहाँ पर डोमिनेंट होगी वहीं अगर यहाँ पे कैपिटल वाई लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वो येलो कलर हमको मिलने वाला है तो अल्टीमेटली यहाँ से ये जो सारे हैं वो क्या थे वो राउंड येलो को रिप्रेजेंट करे थे छोड़ के सिर्फ इस एक को वहीं जो अगर हम रिंकल्ड येलो की बात करें तो यहाँ पे ये जो तीन थे वो रिंकल्ड येलो को रिप्रेजेंट कर रहे थे राउंड ग्रीन के लिए ये वाले ये वाले और ये तीन जो थे वो राउंड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो एक था वो था रिंकल्ड ग्रीन यानी कि वो रिंकल्ड भी था वो ग्रीन भी था रिंकल्ड होगा यानी कि यहाँ पे स्मॉल आर डोमिनेट रहेगा और यहाँ पे जो ग्रीन कलर के लिए भी जो स्मॉल वाई है वो डोमिनेंट रहेगा तो यहाँ का जो फिनोटेपिक रेशियो आया एट लास्ट वो आया नाइन एज टू थ्री टू थ्री टू वन का जो रेशियो है वो यहाँ पे देखने को मिला डाया हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटेपिक रेशियो है वही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ का जो जीनोटैपिक रेशियो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है अब हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस से एसोसिएटेड जो लॉ था मेंडल का दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट तो उसको हम देखते हैं कि ये होता क्या है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ आर कंबाइंड इन हाइब्रिड द सेग्रीगेशन ऑफ़ द पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर यानी कि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है ये वो बोलता है कि जब दो कैरेक्टर्स हैं जब उनका इनहेरिट होगा तो एक कैरेक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा दूसरे से अब यहाँ पे जो एन की लाइन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पेयर ऑफ ट्रेड्स टू पेयर ऑफ ट्रेड्स है यहाँ पे मतलब ये है कि एग्जाम्पल हम लेके चलते एक हमारा हाइट वाला है तो ये क्या होगा ये एक पेयर हो गया और दूसरा हमने स्किन कलर वाला ले लिया ये क्या हुआ ये दूसरा पेयर हुआ तो यहाँ पे कहने की कोशिश ये करी जा रही है एनसीआर की बुक के अंदर कि जो दो कैरेक्टर्स हैं जब भी अगर वो कभी इनहेरिट हो रहे होंगे तो उस टाइम पे उनका एक दूसरे के ऊपर जो कोई भी इफेक्ट है वो नहीं देखने को मिलेगा वो हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही रहेंगे द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज ओनली एप्लीकेबल टू दोज फैक्टर्स और जीन्स विद विच इधर लोकेटेड डिस्टिंक्टली ऑन द सेम क्रोमोजोम और अकर इन द डिफरेंट क्रोमोजोम तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो लॉ है ये सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स या फिर जीन्स के ऊपर लागू होता है जो कि या तो सेम क्रोमोजोम के ऊपर बहुत दूर दूर लोकेटेड हैं या फिर अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर ही प्रेजेंट हैं तो ये लॉ सिर्फ उन्हीं जीन्स या फिर फैक्टर्स के लिए एप्प्लीकेबल होगा देयर आर फोर टाइप्स ऑफ गैमिट फॉर्म्ड तो हमने ऑलरेडी जब डाईब्रिड क्रॉस करवाया था तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे ये ये टाइप के जो गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट और वन फोर्थ ऑफ द टोटल गैमेट फॉर्म तो इनके जो आने की फ्रीक्वेंसी होगी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है ट्वेंटी फाइव परसेंट या फिर वन फोर्थ जो है टोटल गैमेट फॉर्मेशन होगी उसमें होगी यानी कि ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट सभी के आने के जो चांसेस हैं वो होते हैं अब यहाँ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार हम उनको देख लेते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फिनोटपिक रेशियो ऑप्टेन बाई द क्रॉसिंग दफ वन जनरेशन इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस वुड बी यानी कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो उसका जो uh, जो फिनोटेपिक रेशियो था वो क्या आ रहा था तो इसका सही आंसर होगा नाइन एस टू थ्री इज टू वन का रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा था द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडरिंग अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेनी बींग हिट्रोज आइगे सेट बोथ दल तो इसका सही आंसर होगा फोर बाई सिक्सटीन या फिर हम इसको ट्वेंटी फाइव परसेंट या फिर वन बाय फोर्थ भी हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने जो लास्ट लाइन पढ़ी थी वो यही थी कि जितने भी गैमेट्स फॉर्मेशन हुए इनके आने की जो प्रॉबिबिलिटी होती है वो कितनी होती है ट्वेंटी फाइव परसेंट या फिर वन बाय फोर्थ यहाँ पे इन टोटल होती है एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वट डज द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट स्टेट्स यानी कि जो मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वाला जो लॉ दिया था उसकी क्या कंडीशन थी वो क्या बोलते हैं so it states that when two pairs of trait are combined in a hybrid the segregation of the pair of character is independent of each other यानी कि जब भी कभी दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस होनी होगी तो उस टाइम पे उनकी inheritance एक दूसरे की इंडिपेंडेंट होती है उनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी जो असर है या इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता है So that's all for today. If you have liked our video, then please do not forget to like, share, and subscribe our channel. And also, you can tell us your views in our comment section as well. Thank you so much.